लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा। नमस्कार, मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज। आपको हम बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नीतीश कुमार एक बार महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए हैं और फिर से एक बार 9वीं बार मुख्यमंत्री बिहार में बन गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से दावा किया था कि अभी असली खेला होना बाकी है, वो चीज़ जो है वो सामने आ रही हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से जो आजकल जो गोपाल मंडल के जो सुर है बदले हुए हैं, जी तरह मांझी के जो सुर है वो बदले हुए हैं, और चिराग पासवान वो भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सत्ता में आने से नाखुश है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बिहार की जो राजनीति है लगातार करवट बदल रही है और नीतीश कुमार के फेवर में जितने भी लोग थे धीरे धीरे उनको छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे और आज फिर से एक ऐसा समय आ गया है कि सबको साथ में रहना पड़ रहा है। वहीं आपको हम बता दें कि जीतोराम मांझी ने जो डिमांड किए था कि हमें 2 मंत्रिमंडल चाहिए, उन्हें 2 मंत्रिमंडल नहीं मिला है और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया जा रहा है महागठबंधन की ओर से। तो देखिए नीतीश कुमार का जो ये रणनीति है, जो उन्होंने अपने रणनीति के तहत बिहार में फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और जो जीतोराम मांझी है जिस तरह से बता रहे हैं बार बार कि हमें अगर 2 मंत्रिमंडल नहीं मिलता है तो हमें जो प्रस्ताव मिल रहा है महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव की ओर से तो उस पर वो विचार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो गोपाल मंडल है उनके भी सुर बदले हुए हैं, आजकल जीतोराम मांझी के सुर बदले हुए हैं, चिराग पासवान तो पहले ही नाखुश रहते हैं नीतीश कुमार से। तो इस कहीं ना कहीं जो जीतोराम मांझी को लेकर के, गोपाल मंडल को लेकर के या फिर चिराग पासवान को लेकर के बातें कहीं जा रही हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, RJD के साथ जा सकते हैं, तो कहीं इससे नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि ये भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का जो सरकार है वो गिर जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए और फिर से बिहार में चुनाव कराया जाए। तो अब देखना होगा, जो बिहार की जो राजनीति है काफ़ी ज़्यादा करवट बदल रही है लगातार। आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार इस 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं और 9वीं बार अपनी सरकार बनाया है, फिर बदल करने में वो माहिर हैं। कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ नीतीश कुमार हमेशा जाते आते रहते हैं। उसी के बीच नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि हम इस बार असली खेला करेंगे और क्या करेंगे, हमारे जो 7 ताश के पत्ते हैं अभी खोलना बाकी है। तब देखना होगा, तेजस्वी यादव जो है एकदम शांत हो गए हैं, उन पर ED CBI की जो जाँच की जो प्रक्रिया वो तेज़ हो गई है। तो देखना होगा तेजस्वी यादव किस तरह से अपनी बातों को सही करते हैं और असली खेला वो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि सारे जो हवा है अब महागठबंधन की ओर बहना शुरू हो चुका है, चाहे वो गोपाल मंडल हो, चिराग पासवान हो या जीतोराम मांझी हो। तो नीतीश कुमार के लिए जो ये घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार आती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका राजनीतिक अस्तित्व है वो खत्म हो सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।